हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाईफाई सिटी चेंजिंग द व्यू ऑफ लर्निंग। स्वागत है आप सभी का इंडिया के नंबर वन सिटी चैनल वाईफाई सिटी पे। सो गाइस, जैसा कि आप सभी को मालूम है, डेली सुबह 8 बजे मंडे टू सैटरडे अपना एक इंपॉर्टेंट सेशन होता है जिसके अंदर हम लोग दोस्तों कवर करते हैं इंडिया के सारे लीडिंग न्यूज़पेपर। ये जो सेशन है वो 40 से 45 मिनट का सेशन होता है जिसके अंदर हम लोग सारे के सारे इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर है जो कि कवर करते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप इसे रेगुलर देखते होंगे, शेयर करते होंगे ताकि किसी भी तरीके से किसी भी एग्जाम में आपको प्रॉब्लम ना आ पाए। गुड मॉर्निंग एंड हैप्पी गणेश चतुर्थी गाइस। गुड मॉर्निंग, आज गणेश चतुर्थी आप सभी को मालूम है और हमारे पूरे देश में काफ़ी सेलिब्रेट करी जाती है। तो होपफुली दोस्तों आप भी जो है सेलिब्रेट कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पढ़ाई जो है वो स्किप मत करिएगा क्योंकि काफ़ी सारे फेस्टिवल्स आते रहते हैं, लेकिन अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए, उसी से जो है आपकी अच्छी प्रिपरेशन है जो कि होगी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं और तब तक एक बार सारे बच्चे ज्वाइन कर लो क्योंकि आज है दोस्तों फ्राइडे, तो काफ़ी सारे न्यूज़पेपर है, काफ़ी सारी न्यूज़ है जो कि हम लोग कवर करने वाले हैं। और इसके अलावा गाइज कल जो है सैटरडे है, आपको मालूम होगा है ना सभी को ऑब्वियसली, तो कल सैटरडे को एक मैराथन क्लास है जो कि स्पेशल सेशन के ऊपर मैं लेने वाला हूँ। अकेडमी जो स्पेशल क्लासेस होती है सुबह 9 बजे से लेकर 12 बजे तक क्लास होगी जिसके अंदर मैं आपको प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है अपने जीके के, जैसे कि हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के, पॉलिटी के, वो मैं करवाने वाला हूँ कल सुबह 9 से लेकर 12 बजे के बीच में। पहले हिस्ट्री करेंगे, फिर ज्योग्राफी, फिर पॉलिटी, और इसके अंदर जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे वो एसएससी और रेलवे के होंगे। समझ गए, अगर आप रेलवे का एग्जाम देने वाले हैं तो आपके लिए काफी बेनिफिट है जो कि उससे मिलेगा, और अगर आप कोई एसएससी का भी एग्जाम दे रहे हैं तो भी आपको बेनिफिट है जो कि मिलेगा। ठीक है, तो ज्वाइन कर लेना यार, आपको काफी सही लगेगा, उससे आपको प्रैक्टिस जो है वो काफी अच्छी हो जाएगी। क्लासेस का जो लिंक है वो मैंने आपको दे दिया है वैसे ऑलरेडी, है ना, टेलीग्राम पे देख लेना, वहां से आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है गाइस, तो आज है 10th of September, तो 10th of September के सारे इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर है जो कि कवर करेंगे। सबसे पहले प्रीवियस डे के सारे न्यूज़पेपर, आज के दिन इतिहास में क्या हुआ, फन फैक्ट, और आज के कुछ महत्वपूर्ण सवाल है जो कि हम लोग देखने वाले हैं। आज का पहला सवाल की बात करें, कल मैंने आपसे इंटरनेशनल लिटरेसी डे के बारे में पूछा था, तो इंटरनेशनल लिटरेसी डे के बारे में बात करें गाइस, तो ये कितनी तारीख को मनाते हैं हम लोग, 8 तारीख को मनाया जाता है। ठीक है गाइस, 8th of September है ना। ठीक है, आज सैटरडे है क्या, आज सैटरडे होगा मेरे, आज फ्राइडे है ना, हाँ कल सैटरडे को अपनी क्लास है ना। तो इंटरनेशनल लिटरेसी डे 8th of September को जो है वो मनाया जाता है, आप सभी को मालूम है। बेबी रानी मौर्य की बात करें गाइस, तो ये कहाँ की, उत्तराखंड की गवर्नर थी जिन्होंने अभी रिसेंटली रिजाइन है जो कि दिया है। नेक्स्ट है एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ अफगानिस्तान, तो किसको बनाया गया है, मौला हसन अखुंद को जो है अभी रिसेंटली बनाया गया है। नेक्स्ट है तालिबान के कैबिनेट मिनिस्टर जो कि FBI की मोस्ट वांटेड लिस्ट के अंदर है, तो वांटेड लिस्ट वाला बंदा जो है यहाँ पे बन गया है अब तालिबान में कैबिनेट मिनिस्टर, जो कि कौन है दोस्तों, हक्कानी, इसने एम्बेसी के ऊपर अटैक किए थे इसीलिए। नेक्स्ट बात करते हैं बर्थ एनिवर्सरी दोस्तों जो कि सेलिब्रेट करी गई एज अ सोशल जस्टिस इन तमिलनाडु, तो ये वाले तो खैर नहीं होंगे, इसके अंदर पेरियार जी है जिनके बर्थडे को जो है सोशल जस्टिस के तौर पर तमिलनाडु में देखा जा रहा है, 17 सितंबर वो डेट है। ठीक है गाइस, तो ये सारे थे पांच कल के 5 क्वेश्चन। इसके अलावा अगर आपको किसी भी एग्जाम की घर बैठे प्रिपरेशन करनी है तो आप अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन के माध्यम से कर सकते हैं, जहां पे आपको BHU 10 या फिर BHU 10 आपको लगाना पड़ेगा, 10% ऑफ है जो कि आपको मिल जाएगा। आप UPSC, PCS, डिफेंस, बैंकिंग, SSC किसी भी एग्जाम के लिए कर सकते हैं। आपको लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लियरिंग सेशन, PDF सब कुछ आपको मिल जाएगा। ऐप डाउनलोड करनी है, मोबाइल नंबर डालना है, यहाँ पे अपना गोल सेलेक्ट करना है, जो भी आपका गोल है, SSC है, UPSC है, IIT है, जो भी गोल है, प्लस में जाइए गेट सब्सक्रिप्शन में 12 या 24 महीने पर, और नीचे की तरफ आपको BHU 10 है जो कि आपको लगाना है। ठीक है गाइस, आपको EMI के थ्रू भी आप पे कर सकते हैं। और वर्ल्ड ज्योग्राफी का कोर्स है जो कि SSC में भी रिसेंटली मैंने लॉन्च किया है, SSC में मैं कंप्लीट GK है जो कि आपको पढ़ा रहा हूँ, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। सारे नए बैचेस है जो कि अभी CGL, CHSL के अभी रिसेंटली लॉन्च हुए हैं, और ये 8th और 9th September को आपके लिए ऑफरिंग था जहाँ पे फ्लैट 15%, उसके बाद में 10%, 30% ऑफ था, देख लेना यार आज भी है कि नहीं है, कल तक तो था, आज का मुझे पता नहीं है। ठीक है, स्पेशल क्लास आज 10 बजे है, ज्वाइन कर लेना। आज का कोट ऑफ द डे की बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, तो आज हम लोग जो बात करेंगे कोट ऑफ द डे के अंदर वो हम बात करेंगे दोस्तों ओवर थिंकिंग को लेकर। आजकल बहुत सारे क्वेश्चन है जो कि मेरे पास आते हैं जो कि होते हैं ओवर थिंकिंग को लेकर। गाइज, आप में से बहुत सारे लोग हैं जो कि इस प्रॉब्लम से परेशान होंगे कि आप लोग सोचते बहुत ज्यादा होंगे और एक्शन जो है वो कम लेते होंगे। देखिए गाइज, ओवर थिंकिंग की जो प्रॉब्लम है ये तब सबसे ज्यादा होती है तब आप लोग कुछ काम नहीं करते हैं, है ना। अगर आपकी लाइफ बिजी नहीं है तो आप बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करोगे। अगर आज मैं भी अगर आज अपना बहुत सारा दिन जो अगर मैं फालतू
ही अगर छोड़ दूँ अगर मैं, तो मैं ओवर द टाइम मैं भी ओवर थिंकिंग करने लग जाऊँगा, इट्स अ कंप्लीट नॉर्मल थिंग। लेकिन अगर आप बिजी हैं, अगर आप अपनी लाइफ में कोई हॉबी है उसको भी साथ में लेके चल रहे हैं, साथ में आपको जो करियर है, जो आपको मेजर काम है, जैसे कि जो आज के टाइम पे पढ़ाई करना है, अगर आप उसके ऊपर फोकस है ना, तो ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम है जो कि कभी भी नहीं आएगी। हालांकि रिजल्ट आता है जब अपन फेल होते हैं, तब डेफिनेटली ओवर थिंकिंग कुछ दिन के लिए होती है, लेकिन वो भी कुछ ही दिनों की होती है, क्योंकि उसके बाद वापस से आप अपने काम में लग जाते हो। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप इन चीज़ों के चक्कर में नहीं पड़ोगे। ओवर थिंकिंग होती है तो देखो यार मैं ओवर थिंकिंग कर रहा हूँ, सोल्यूशन पूछो और अपने आप को बिजी रखो, ओवर द टाइम आपकी प्रॉब्लम एलिमिनेट हो जाएगी। ठीक है गाइज, चलिए ओके आगे बात करते हैं, जो कि चलते हैं आज के दैनिक हिंदू के फ्रंट पेज पे। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे आईआईटी को लेकर, जिन्होंने टॉप रैंकिंग हासिल करी है 2021 के अंदर, अपने जो इंडिया की जो रैंकिंग आती है ना यूनिवर्सिटी की, उसके अंदर इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। यहाँ पे दोस्तों ब्रिक्स की मीटिंग हुई, इंफ्रा अफगान डायलॉग के बारे में बोला गया है, आपको मालूम है हमने इस बार होस्ट किया है, तो उसके बारे में भी बात करेंगे, क्या क्या इसमें नया है जो कि हुआ है, क्या बातचीत है जो कि हुई है। साथ में आज गणेश चतुर्थी, आप सभी को मालूम है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे फोर्ड कंपनी ने दोस्तों अपना चेन्नई का प्लांट को शट डाउन कर दिया है, और चेन्नई और गुजरात के अंदर 4000 जॉब जो है वो उनको संकट आ गया, 40,000 जॉब है, बताऊंगा आपको कैसे, इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, केरला के अंदर भी दोस्तों ये मुद्दा है, इसके बारे में बात करेंगे कि वहां पे स्पाई करने को लेकर बोला गया है विथआउट नोड, किसी की परमिशन के बिना ही पुलिस वालों को स्पाई करने के लिए परमिशन मिल जाए, ऐसा बोला गया है। यहाँ पे दोस्तों जम्मू कश्मीर के बारे में बताया गया है, यहाँ पे ब्रह्मपुत्र रिवर है, यहाँ पे ज्ञानवापी डिस्प्यूट के बारे में भी बात करेंगे, ये क्या है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने क्यों, हाई कोर्ट ने क्यों स्टे लगा दिया गया है लोअर कोर्ट के ऑर्डर के ऊपर, इसके बारे में बात करेंगे, मुद्दा क्या है। इसके अलावा यहाँ पे अफगानिस्तान को लेकर, और यहाँ पे दोस्तों क्लैरिफिकेशन देने के लिए बोला है गुजरात हाई कोर्ट ने गवर्नमेंट को कि आप अपना स्टैंड बताइए कि इंटरफेथ मैरिज पे आपका स्टैंड क्या है। जो लड़की ऑलरेडी शादी करके लव मैरिज में हस्बैंड के साथ फैमिली के साथ रहना चाहती है, उसके ऊपर भी केसेस कर रहे हो, तो आपका स्टैंड क्या है, आप चाहते हो कि नहीं चाहते हो लोग इंटरफेथ मैरिज करें कि नहीं करें, तो यहाँ पे डायरेक्टली सवाल है जो कि हाई कोर्ट ने गुजरात गवर्नमेंट से पूछ लिया है। तो ये आपका पूरा का पूरा फ्रंट पेज है, जहां जहां पे मैंने स्टार मार्क करा ना, ये सारी न्यूज है जो कि हम लोग कवर करेंगे हमारे पेपर के लिए और नॉलेज के लिए, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले गाइज ये जो है आप देख सकते हैं टॉप 10 हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट की रैंकिंग है जो कि यहाँ पे डिफाइन करी गई है। हायर एजुकेशन टॉप 10 में से अगर आप देखोगे तो 7 दोस्तों आपको टॉप में IITs है जो कि नजर आएंगे, जिसमें वापस से कॉन्स्टिट्यूटिवली तीसरे साल IIT मद्रास है जिसने टॉप किया है। ओके गाइज, बेस्ट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है जो कि थर्ड ईयर यूनियन एजुकेशन मिनिस्ट्री के द्वारा जो इंडिया रैंकिंग 2021 रैंकिंग जारी होती है अंडर द नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क ऑन, ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क जो ये जारी होता है ना, उसके तहत इंडिया के इंस्टीट्यूशंस की रैंकिंग जारी होती है, उसमें टॉप 10 में से 7 IITs है हायर एजुकेशन के, और उसके बाद आता है आपका इसके अंदर एक सेकंड नंबर पे IISc बेंगलुरु है, ये ध्यान रखिएगा, पहले पे मद्रास है, सेकंड नंबर पे IISc बेंगलुरु है, बाकी सारी रैंकिंग याद करने की जरूरत नहीं है, उसके बाद JNU आता है और फिर BHU आता है। ठीक है गाइस, ये टॉप 10 है जो कि बताए गए हैं, और इसके अलावा भी और भी बहुत सारे यूनिवर्सिटीज बताई गई है, जैसे कि BHU के अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकटा है, अमृत विश्वास है, कोयम्बतूर है, जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी है, ओके गाइस जादवपुर है, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, अलीगढ़ है, मणिपाल है, ये सारे के सारे भी इसके अंदर बताई गई है। इंजीनियरिंग के अंदर दोस्तों IIT जो मद्रास है वो नंबर 1 के ऊपर है, उसके बाद में दिल्ली, बॉम्बे और कानपुर है। मैनेजमेंट के अंदर दोस्तों यहाँ पे जो नंबर 1 बताया गया है वो IIM अहमदाबाद है जो कि बताया गया, उसके बाद में IIM बैंगलोर है जो कि आता है। ठीक है, हर चीज की आप ऊपर का एक इंस्टीट्यूट का नाम आपको ध्यान रखना है, जैसे कि मैनेजमेंट में IIM हो गया, टेक्निकल के अंदर मद्रास हो गया, हायर एजुकेशन के अंदर भी मद्रास है, उसी प्रकार से मेडिकल के अंदर बात करें तो ऑल एम्स जो आपका दिल्ली का है ये मेडिकल के अंदर नंबर 1 बताया गया है। ठीक है गाइस, और इसके अलावा अगर बात करें लॉ की बात करें तो अपना जो NLU है बेंगलुरु वाला, नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, ठीक है, NLU जो है आपका बेंगलुरु वाला ये लॉ के अंदर नंबर 1 के ऊपर है जो कि बताया गया है। ठीक है, उसके बाद में नलसार है, हैदराबाद वाला और भी बहुत सारे कॉलेजेस है। रिसर्च की बात करें तो IISc जो है वो बेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूशन है जो कि बताया गया है। ठीक है गाइस, बेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट IISc को बताया गया है। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें तो अगर आप देखोगे दोस्तों यहाँ पे कॉलेजेस के बारे में, तो यहाँ पे टॉप 10 कॉलेजेस की बात करें तो उसमें से 5 तो दोस्तों DU वाले जो कॉलेजेस हैं उन्होंने अपनी रैंकिंग है जो कि हासिल करी है। मिरांडा हाउस दोस्तों नंबर 1 के ऊपर है, उसके बाद में लेडी श्रीराम कॉलेज हो गया, फिर स्टीफन कॉलेज,
थर्ड नंबर पे हिंदू कॉलेज है, फिर स्टीफन है, फिर शिर, ठीक है, एंड सो ऑन। तो आपको तो बस एक ही है मिरांडा ध्यान रख लो, जो कि आपके कॉलेज के अंदर जो है वो नंबर वन के ऊपर है। ठीक है गाइज, टॉप 10 में से 5 तो DU कॉलेजेस ही है जिसके अंदर मिरांडा हाउस ने टॉप किया है। ओके, तो ये कुछ कॉलेजेस की रैंकिंग है जो कि मैंने आपको बताई। इतना ही आपको ध्यान रखना है, और ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। ये रैंकिंग जो है दोस्तों वो हर साल आती है। ओके, गुड मॉर्निंग देवाशीष, गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए गुड मॉर्निंग एवरीवन, एक बार वीडियो को शेयर कर देना गाइज। अभी हमने सिर्फ शुरुआत करी है वीडियो की, तो जो लोग जो है ठीक है अभी जागे हैं या जागे नहीं है, एक बार वीडियो को शेयर कर देना अपने व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, सब जगह पे, ताकि और भी बच्चे ज्वाइन कर सके। आगे बात करते हैं दोस्तों जो कि अपने इंट्रा अफगान डायलॉग को लेकर। देखो आपको मालूम है ब्रिक्स की मीटिंग हुई है जिसके अंदर 2021 को जो होस्ट करने वाले कंट्री है वो हम कौन है, हम लोग है। तो मोदी जी ने दोस्तों यहाँ पे डायलॉग जो कि यहाँ पे डिलीवर किए, और यहाँ पे जो मेजर बात करी गई है वो किसके बारे में, इंक्लूसिव इंट्रा अफगान डायलॉग के बारे में बात करी गई है। देखो आज के टाइम पे दो ही मुद्दे, एक तो अफगानिस्तान और एक कोविड, समझ गए मेरी बात। तो अफगानिस्तान के ऊपर मेजर बात करी गई है, साथ में ये भी बताया कि ब्रिक्स ने मिलकर जो है वो बहुत सारे काम किए, सैटेलाइट कॉन्स्टेलेशन हो गया, स्पेस टेक्नोलॉजी के ऊपर हो गया, कोविड के ऊपर हो गया, इन सब के बारे में। तो यहाँ पे दोस्तों जो इंपॉर्टेंट है वो है दिल्ली डिक्लेरेशन, न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन। ठीक है, तो अब न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन के अंदर क्या बोला गया है, एक तो तालिबान वाले इशू को लेकर, और साथ में अफगानिस्तान में जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस जो वहां पे आ रखे ना उसको काउंटर करने को लेकर। तो ये दो चीजों को लेकर जो है वो न्यू दिल्ली का डिक्लेरेशन है जो कि ब्रिक्स में बताया गया, उसके बारे में यहाँ पे जानकारी दी गई है। इसके अलावा और इसके अंदर कुछ भी इंपॉर्टेंट है जो कि नहीं है। ब्रिक्स के बारे में बात करें तो आपको मालूम है ये पांचों देश के लीडर्स हैं यहाँ पे जो कि मीटिंग अटेंड करते हैं। ओके, फॉर्मेशन 2006 के अंदर हुआ यूएन यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में, एक गोल्डमैन सैक्स के लीडर थे, एक पर्सन थे नील करके, उन्होंने ये वर्ड है जो कि ब्रिक्स दिया था। ये सारे न्यूली इंडस्ट्रियलाइजेशन कंट्रीज है, न्यूली अभी जो डेवलपिंग कंट्रीज है ना वो सारे ने मिलकर दोस्तों ये ब्रिक्स है जो कि बनाया है। पहले 2010 तक तो ये ब्रिक था, उसके बाद साउथ अफ्रीका ने ज्वाइन किया और ये ब्रिक्स बन गया। पहला समिट 2009 में हुआ रशिया में, और अभी लास्ट वाला मैंने आपको बता दिया शंघाई के अंदर दोस्तों इनके ब्रिक्स टावर का जो है वो लोकेशन है। ठीक है, चलिए देखिए पहला ब्रिक्स समिट। आगे बात करते हैं जो कि फोर्ट को बारे में बात करेंगे दोस्तों। जैसा कि आपको मालूम है पिछले 4-5 सालों के अंदर कई सारी मल्टीनेशनल कंपनी है जो कि इंडिया छोड़ के चली गई, उसी में से एक और नाम है जो कि यहाँ पे फोर्ड का इंक्लूड हो गया। कुछ टाइम पहले हार्ले डेविडसन हो गया, जनरल मोटर हो गया, ये सब भी उन्होंने अपने प्लांट है जो कि शट डाउन कर दिए थे। फाइनली यूएस हेडक्वार्टर फोर्ड मोटर कंपनी ने भी दोस्तों अनाउंस कर दिया है कि वो अपने इंडिया में ऑपरेशन स्टॉप कर रही है, और जो मैन्युफैक्चर करती थी अपने व्हीकल्स को उसको बंद कर रही है। आपने फोर्ड की गाड़ियां सुनी होगी, फोर्ड फीगो आती थी, इको स्पोर्ट आती थी, एंडेवर बहुत महंगी गाड़ी थी, वो सब बंद हो गई है। $2 बिलियन के लॉसेस है जो कि इनको लगे, 4,000 लोग यहाँ पे जॉब किया करते थे वो भी इनकी चली जाएगी। ठीक है, दो प्लांट थे चेन्नई में और एक सानंद करके गुजरात के अंदर एक प्लांट है वो भी। हालांकि जो मेंटेनेंस है, जो सर्विस होती है गाड़ियों की जिन्होंने खरीदी है उनकी, तो जो है वो गाड़ी की सर्विसिंग तो ये देते रहेंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी अभी यहाँ पे दोस्तों जो बड़ा स्टेटमेंट आया वो FADA के द्वारा आया है। FADA क्या है, फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर एसोसिएशन, जो हमारे यहाँ पे ऑटोमोबाइल के जो डीलर एसोसिएशन है ना उनके द्वारा स्टेटमेंट आया। इन्होंने बोला है कि यहाँ पे 40,000 नौकरियां हैं जो कि जाएगी, क्योंकि फोर्ड के बहुत सारे डीलर हैं। ओके, और डीलर के वहां पे बहुत सारे लोग हैं जो कि जॉब करते हैं, आपको मालूम है सेल्समैन मैनेजर से लेकर, और बहुत सारे लोग हैं जो कि नौकरी करते हैं। तो पूरे देश में 170 डीलर थे इनके, 2000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट था, 40,000 लोग हैं जो कि इनडायरेक्टली यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जिनको मिला करता था। यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात जो बोली गई है FADA के द्वारा वो ये बोली गई है कि हमारे देश में जल्दी हमें एक फ्रेंचाइजी प्रोटेक्शन एक्ट है जो कि लेके आना चाहिए। ये बहुत सही बात है जो कि इनके द्वारा बोली गई है। देखो बाहर के देशों में क्या है कि अगर कोई कंपनी आती है और अपनी फ्रेंचाइजी देती है, देखो अगर आपको मान लो आपने फोर्ड की फ्रेंचाइजी ली 6 महीने पहले, आपने पैसा इन्वेस्ट किया, फ्रेंचाइजी ले लिया आपने, पूरा का पूरा लोन वो ले लिया, तामझाम अपना पूरा बना लिया, उसके बाद 6 महीने बाद आपको पता लगता है कि कंपनी जो है वो गायब हो रही है यहाँ से, कंपनी अपने ऑपरेशन जो है वो शट डाउन कर रही है, तो आपके तो घाटा हो गया ना, जो बेचारे जिसने फ्रेंचाइजी ली उसके तो प्रॉब्लम हो गई। तो यहाँ पे फ्रेंचाइजी प्रोटेक्शन एक्ट को लेकर बोला जा रहा है कि हमारे यहाँ पर भी जो है फ्रेंचाइजी प्रोटेक्शन एक्ट है जो कि होना चाहिए। 170 डीलर है जिसमें से 391 डीलर तो आउटलेट्स है, 2000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है जो कि लोगों ने किया हुआ था, है ना, 1000 के आसपास व्हीकल, 150 करोड़ के व्हीकल है जो कि यहाँ पे होल्ड पे पड़े हुए हैं, ऑलरेडी इन्वेंट्री में पड़े हुए हैं। तो ये प्रॉब्लम है, तो बहुत सारे देशों के अंदर ऑलरेडी ये लॉ है, तो हमें भी ये लाना चाहिए, इसकी डिमांड है जो कि FADA के द्वारा फ्रेंचाइजी को प्रोटेक्शन करने को लेकर बोला गया है। समझ गए मेरी बात, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। इससे पहले दोस्तों और भी कुछ कंपनी है जो कि देश में छोड़ के चले गए, जैसे कि जनरल मोटर बहुत बड़ी कंपनी थी, एक और थी मैन ट्रक्स करके,
हार्ले डेविडसन के बारे में आपने सुना ही है। ओके, एक और थी यूएम लोहिया करके, ठीक है गाइस। तो ये चार पांच कंपनियां थी जो अभी पिछले कुछ सालों में गई है, और एक और इसके अंदर फोर्ड है जो कि जुड़ गई है। ओके, फोर्ड की बात करें तो हेनरी फोर्ड आप सभी को मालूम है दोस्तों, बहुत ही जबरदस्त पर्सन थे, एंटरप्रेन्योर थे, इन्वेंटर थे। हेनरी फोर्ड वो आदमी थे जिन्होंने पहली बार जो है गाड़ियों की लार्ज स्केल के अंदर मैन्युफैक्चरिंग जो है वो कम कॉस्ट के अंदर स्टार्ट करी थी, और एक मिडिल क्लास अमेरिकन को जो है वो गाड़ी का सपना है जो कि पूरा किया था, समझ गए। ये इनका हेडक्वार्टर है दोस्तों, ऐसा नहीं है कि इंडिया में बंद हो गई तो फोर्ड कंपनी पूरी दुनिया चली गई है, दुनिया के 50 प्लस देशों के अंदर फोर्ड कंपनी है जो कि आज भी काम कर रही है। हेनरी फोर्ड कंपनी 1903 में इसकी शुरुआत हुई। हेनरी फोर्ड की जो डेथ हुई थी ना दोस्तों 1947 के अंदर हुई थी, जब देश आजाद हुआ था हमारा, 80 साल के हो चुके थे, यूएस के थे। और अभी जो यहाँ पे सीईओ हैं वो टिम फर्ले करके जो प्रेसिडेंट और सीईओ हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं ऑपरेटिंग नेट इनकम जो है, ठीक है गाइस, काफ़ी अभी तो खैर काफ़ी लॉस है क्योंकि अभी दुनिया में कोविड की वजह से काफ़ी जगह पे प्रॉब्लम हुई है। फोर्ड फैमिली के पास में 2% इक्विटी है यहाँ पे, वैन गॉड है उनके पास में मेजरली, आप देख सकते हैं, ठीक है। ये है दोस्तों हेनरी फोर्ड, और उन्होंने जो पहली गाड़ी बनाई थी वो ये वाली बनाई थी पहले के टाइम पे, 1910 का मॉडल है ये, सॉल्ट लेक सिटी, ठीक है गाइस, ये देख सकते हो आप। चलिए आगे बात करते हैं जो कि ज्ञानवापी डिस्प्यूट के बारे में बात करेंगे। देखिए आपको मालूम है बाबरी मस्जिद का बहुत बड़ा इशू था 1991 में, और जो पूरे देश के अंदर काफी हल्ला वल्ला मचा, और फाइनली जो है वो मुद्दा सॉल्व हो गया है, बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। अभी दोस्तों यहाँ पे उसके बाद में एक और जो मुद्दा 1986 के टाइम पे से ही जो है उछल रहा था वो बाबरी मस्जिद के अलावा ज्ञानवापी डिस्प्यूट के बारे में भी उछल रहा था। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दोस्तों क्या किया, इंटरिम स्टे लगा दिया प्रोसीडिंग के ऊपर, जो कि लोअर कोर्ट के द्वारा ज्ञानवापी मॉस्क्यू काशी विश्वनाथ टेम्पल साइट के डिस्प्यूट को लेकर सुनाया गया फैसला था। देखो एक्चुअली में हुआ क्या था कि एक जो लोअर कोर्ट है उसने ये फैसला सुनाया था कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को क्या करना चाहिए, यहाँ पे सर्वे करना चाहिए ज्ञानवापी मॉस्क्यू में कि क्या यहाँ पे पहले कोई टेम्पल हुआ करता था क्या। तो यहाँ पे लोगों का कहना है कि औरंगजेब ने 16वीं-17वीं शताब्दी के अंदर जो है टेम्पल को तोड़ के मंदिर बनाया था, है ना, सॉरी मस्जिद बनाया था, तो जो क्या होना चाहिए उसको वापस से रिकंसिलिएशन करना चाहिए। तो एएसआई को ये ऑर्डर है जो कि लोअर कोर्ट के द्वारा दिए गए, लेकिन दोस्तों यहाँ पे हाईकोर्ट ने, है ना, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इसके ऊपर स्टे है जो कि लगा दिया गया, क्योंकि दोस्तों एक्चुअली के अंदर हमारे यहाँ पे एक ऑलरेडी लॉ है, उसके माध्यम से जो है आप किसी भी चीज को जो 1947 से पहले बनी हुई है ना उसको तोड़ के आप वापस से नहीं कर सकते हो, समझ गए। इसके बारे में बात करेंगे, आपको समझाऊंगा ये कानून क्या है। चलिए तो यहाँ पे जुडिशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो कि बताई गई, अब जैसे जैसे इलेक्शंस आएंगे वैसे वैसे आपको ये मुद्दे थोड़े से और हाइलाइटेड है जो कि आपको सुनने को मिलेंगे, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये मैं आपको बता ही दिया कि उत्तर प्रदेश के एक सिविल कोर्ट ने डायरेक्शन दिया था एएसआई को कि वो सर्वे करे ज्ञानवापी मॉस्क्यू में वाराणसी के अंदर और पता करे कि यहाँ पे कोई रुइंस टेम्पल के है कि नहीं है, ठीक है गाइस। और यूपी गवर्नमेंट है जो कि इसकी कॉस्ट बेयर करेगी, 2 मेंबर माइनॉरिटी कम्युनिटी के होंगे। पिटीशन को अपोज किया गया था एआईएम के द्वारा, मैनेजमेंट के द्वारा। ओके, तो हमारे यहाँ पे दोस्तों क्या है कि जब ये मुद्दा हुआ था ना, क्या बोलते हैं अपना बाबरी मस्जिद वाला, तो सरकारों को समझ में आ गई थी कि आज नहीं तो कल जो है ना ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जो कि सामने आएंगे, लोग पॉलिटिक्स वाले लोग लेके आएंगे और उससे काफ़ी प्रॉब्लम है जो कि देश में हो सकती है। कल को कोई भी आपके आपके घर के आप घर पे आके बोल देगा कि यहाँ पे तो पहले मंदिर था, मस्जिद था, है ना, हम सर्वे करेंगे आपके ज़मीन के नीचे क्या है, और बहुत सारी प्रॉब्लम है जो कि देश में चालू हो जाएगी। तो इसीलिए दोस्तों एक बिल, एक एक्ट हमारे देश में लेके आया गया 1991 में, प्लेसेस ऑफ वर्कशिप एक्ट 1991, समझ गए। इसमें ये बोला गया कि 1947 ये 15 अगस्त डेट इसके अंदर डिफाइन करी गई, और ये बोला गया कि 15 अगस्त 1947 को जो देश में जहां पे मंदिर था वहां मंदिर रहेगा, जहां पे मस्जिद है वहां पे मस्जिद रहेगा। आप जो है वो जमीन खोद के पता नहीं करोगे बात बात पे कि यहाँ पे पहले मंदिर था कि मस्जिद था, समझ गए। कल को कोई भी किसी भी जमीन पे क्लेम करेगा, किसी भी टेंपल पे क्लेम करेगा, कभी किसी पे भी क्लेम कर देगा, नीचे पता करो क्या था पहले 500 साल पहले। अरे भाई जो था वो था 1947 में, क्या था देश की आजादी के टाइम पे, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। तो ये इस कानून के अंदर बोला गया, इसमें एक डेट है जो कि इन्होंने डिफाइन कर दी, समझ गए। इन्होंने बोला कि कोई भी कन्वर्जन जो है किसी भी प्लेस का वर्कशिप के तौर पे जो है उसको मना कर दिया गया, और डेट 15 अगस्त 1947 डाल दी गई कि जो है वो वैसे रहेगा। इसके अंदर दोस्तों एक क्लॉज जो डाला गया था वो बाबरी मस्जिद का डाला गया था कि वो इसके अंदर इंक्लूड नहीं किया जाएगा, इसके अलावा सब कुछ है जो कि इसके अंदर आता है। तो यहाँ पे बार कर दिया गया था कन्वर्जन ऑफ प्लेसेस ऑफ वर्कशिप, समझ गए मेरी बात। चलिए तो यहाँ पे देखिए ये एक्ट जो है वो अप्लाई नहीं कर रहा था राम जन्मभूमि के ऊपर, यानी कि बाबरी मस्जिद के ऊपर, है ना। उस टाइम पे बहुत ही हॉटशॉट मुद्दा था ये 1991 के अंदर,
और इसमें अटल बिहारी वो क्या नाम है अपने आडवाणी जी, आप सभी को मालूम है आडवाणी जी उस टाइम पे बहुत ही खतरनाक अपने रोल के अंदर थे। तो इसके अंदर पनिशमेंट भी है कि अगर कोई इस तरीके से करता है तो 3 साल की सजा है जो कि उसको मिलती है, और कुछ फाइन भी है जो कि उसके ऊपर लगेगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इसके ऊपर क्यों स्टे है जो कि लगाया है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट चलते हैं और पेज नंबर 5 के ऊपर। पेज नंबर 5 पे बात करेंगे दोस्तों जो कि तमिलनाडु के अंदर एक सिविलाइजेशन को लेकर जो कि 3,000 साल पुरानी है जो कि बताई गई है। ठीक है गाइस, चलिए ठीक है, यहाँ पे बात करेंगे मराठवाड़ा में दोस्तों काफी हैवी रेनफॉल है जो कि देखने को मिली, काफी अच्छी बात है। यहाँ पे एक और बिल के बारे में बात करेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग बिल है कि पुलिस जब चाहे जब जो है वो किसी को भी स्पाई कर सकती है किसी की परमिशन के बिना, है ना, तो वो उसके बारे में बात करेंगे, काफी इंटरेस्टिंग है ये। चलिए ठीक है, और आज जो है वो दोस्तों पंडित गोविंद वल्लभ पंत जो है ना भारत रत्न, उनका भी बर्थडे है आज, 10 सितंबर 1887 को उनका जन्म हुआ था, 7 मार्च 1961 को उनकी डेथ है जो कि हुई थी, फ्रीडम फाइटर थे। चलिए आगे बात करते हैं, यहाँ पे दोस्तों थामीरा बरानी सिविलाइजेशन को लेकर जो कि 3,000 साल पुरानी है जो कि बताई गई है। यहाँ पे ये देख सकते हो राइस के साथ में सॉइल और राइस के कुछ ब्यूरल है जो कि यहाँ पे देखने को मिले हैं। तो देखिए अभी रिसेंटली कार्बन डेटिंग करी गई, एनालिसिस किया गया राइस के साथ सॉइल के साथ में, कई सारे ऐसी चीजें जो कि भरी हो रखी थी तमिलनाडु के, जो सदर्न तमिलनाडु में थूथुकुडी जो डिस्ट्रिक्ट है ना वहां पे, शिवकलाई के वहां पे, और यहाँ पे मियामी की एक लेबोरेटरी है उसने दोस्तों यहाँ पे कार्बन डेटिंग करके पता लगाया कि ये जो चीजें है ना वो 1155 BC, यानी कि आज से 2000 साल पीछे जाओ, फिर 1000 साल पीछे BC में जाओ, यानी कि 3200 साल पुरानी ये चीजें हैं जो कि बताई गई। और कुल मिला के यहाँ पे है ना ताम्रीय ब्रानी सिविलाइजेशन के बारे में बताया गया जो कि साउथ इंडिया के अंदर एग्जिस्ट है जो कि करती है। तो यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर है स्टालिन साहब, उन्होंने अनाउंस किया असेंबली के अंदर कि वो एस्टेब्लिशमेंट करेंगे एक म्यूजियम का, क्या नाम होगा म्यूजियम का, पोरुनई म्यूजियम है जो कि बनाने के लिए बोला है इन्होंने, 15 करोड़ की इसकी कॉस्टिंग है जो कि आएगी, जिसके अंदर इस सिविलाइजेशन के बारे में जो है यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, इन्होंने ये भी बोला है कि ये बहुत ही हिस्टोरिक है और इसको जो इजिप्ट की जो लेबोरेटरी जो कि और भी बहुत ज्यादा इसके ऊपर काम करती है उनको भी इसके ऊपर काम करना चाहिए, आर्कियोलॉजिकल सर्वे के द्वारा और एक्सकवेशन है जो कि यहाँ पे प्रमोट करना चाहिए नेबरिंग स्टेट के अंदर भी, जैसे कि आपका केरला हो गया है ना, आंध्रा हो गया, कर्नाटका हो गया, यहाँ पर भी करना चाहिए। ठीक है गाइस, तो इस सिमिलर स्टडी जो है इससे पहले वेंजी नाम की जो जगह है आंध्र प्रदेश में, थलाई कांडू करके जो कर्नाटका में, पलूर करके उड़ीसा में, यहाँ पर भी ऐसी स्टडीज है जो कि पहले कंडक्ट करवाई जा चुकी है, तो उसके अंदर भी पुरानी चीजें जो कि काफी देखने को मिली है। ठीक है गाइस, इन्होंने बताया कि साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के अंदर साउथ इंडिया से लोग ट्रेड किया करते थे, बात बिल्कुल सही है, चोल एम्पायर के टाइम पे आपको मालूम है राजेंद्र चोल ने दोस्तों मलेशिया कंबोडिया यहाँ पे तक जो है अपना एस्टेब्लिशमेंट है जो कि किया था, काफी ट्रेड किया करते थे। ठीक है, चलिए तो ये अगर आपसे पूछा जाए कि कहां पर सिविलाइजेशन मिली है तो तमिलनाडु आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, कार्बन डेटिंग के द्वारा मियामी बेस्ड लैब के द्वारा ये जानकारी है जो कि दी गई है। ठीक है गाइस, इससे पहले अगर आप बात करोगे तो यहाँ पे एक रिवर भी हुआ करती थी इसी नाम से, है ना, थामरिया परानी रिवर नाम से, तो उसी रिवर के पास में सिविलाइजेशन है जो कि एग्जिस्ट करती है। तो एक सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड है जो कि बनाया गया था और उनको परमिशन है जो कि इसके ऊपर मिली थी। ठीक है, वेस्टर्न घाट से रिवर है जो कि किसी जमाने में ओरिजिनेट है जो कि हुआ करती थी। चलिए आगे बात करते हैं जो कि है दोस्तों एक और नए बिल को लेकर जो कि है पुलिस दोस्तों किसी भी कम्युनिकेशन को सुन सकती है विदाउट वेटिंग फॉर ऑफिशियल अप्रूवल। ओके, यानी कि कई बार इमरजेंसी में किसी से अप्रूवल लिए बिना पुलिस जो है वो क्या कर सकती है, आपके कम्युनिकेशन को सुन सकती है। ऐसे दोस्तों केरला के अंदर एक बिल लाने को लेकर बोला गया है ताकि ऑर्गेनाइज्ड जो क्राइम होते हैं ना उनको रोका जा सके। तो केरला कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम बिल है जो कि ये प्रपोज किया गया, जिसका काफी दोस्तों विरोध है जो कि किया जा रहा है कि भाई पुलिस जब चाहे जब किसी को सुन सकती है, ये क्या बात हुई यार समझ गए। चलिए तो विदाउट नोट सुनने को लेकर है ना, तो इसका ऑपरेशन इसको क्या ये बिल पास हो पाएगा नहीं हो पाएगा काफी मुश्किल है, लेकिन लेट्स सी, काफी फनी है, देखते हैं आने वाले दिनों के अंदर क्या इसके ऊपर होता है। चलिए पेज नंबर 7 की बात करेंगे इसराइल को लेकर। गाइस देखिए इसराइल के अंदर जो है ना, ठीक है, यहाँ पे एक और एक बड़ा आर्टिकल आया कि इंडिया में मैरिटल रेप जो है वो क्रिमिनलाइज्ड क्यों नहीं है, है ना, ये भी बहुत बड़ा आर्टिकल है, इसके बारे में हम ऑलरेडी काफी बार चर्चा कर चुके हैं। यहाँ पे आप लोग जो बात करेंगे इसराइल को लेकर बात करेंगे, रिसेंटली दोस्तों क्या हुआ इसराइल आपको मालूम है पूरा कंट्री जो है वो क्या है उसको दो डबल वैक्सीन है जो कि लग चुकी थी और तीसरी डोज जो कि वो लोग लेने स्टार्ट उन्होंने कर दिया था।
तो COVID-19 केसेस जो है इसराइल के अंदर जून के बाद धीरे धीरे इंक्रीज होने लग गए और 3 सितंबर तक दोस्तों थोड़े से ज्यादा बढ़ गए थे। इनफैक्ट पूरी दुनिया में अगर पर मिलियन पॉपुलेशन के हिसाब से बात करें तो मैक्सिमम केसेस आपको इसराइल में देखने को मिलेंगे। 60% पॉपुलेशन जो है दोस्तों फुल्ली वैक्सीनेट हो चुकी थी। फर्स्ट वीक ऑफ सेप्टेम्बर तक हाईएस्ट नंबर ऑफ केसेस पर मिलियन जो है देखने को मिले। डेल्टा वेरियंट दोस्तों उसने वहां पर इसराइल में धूम मचा रखी है और इफिशियंसी जो वैक्सीन की है वो काफी बढ़िया है, लेकिन कोविड हो रहा है लोगों को फिर भी। हालांकि इसके अंदर हॉस्पिटलाइजेशन होने की चांसेस जो है वो बहुत ही मिनिमम है, जो कि बताया जा रहा है अगर आपने वैक्सीन ले लिए तो। कल बलराम भार्गव जो कि हमारे हेड है, उन्होंने भी दोस्तों बताया था ICMR के कि अगर आपने दोनों डोज ले रखे हैं तो हॉस्पिटलाइजेशन होने के चांसेस 97% है, जो कि कम हो जाएंगे, समझ गए। तो डेल्टा वेरियंट दोस्तों यहाँ पे काफी तेजी से फैला है, तो इन्होंने थर्ड डोज जो है वो लगाने के लिए लोगों की शुरुआत है जो कि कर दी है, ठीक है। जो इल पेशेंट है, जो फिटेलिटीज है, वो काफी कम है जो कि देखने को मिल रहा है जिन्होंने वैक्सीनेटेड है, लेकिन यहाँ पे बताया जा रहा है कि डेल्टा वेरिएंट के केसेस है जो कि काफी बढ़ गए हैं, ठीक है गाइज। और इसके अलावा इफिशियंसी आप देख सकते हो फाइजर और बायोटेक की जो है ना इन्फेक्शन को रोकने को लेकर, वो 39% है जो कि डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ है जो कि बताया जा रहा है। हालांकि सवियर प्रॉब्लम को लेकर 91% है जो कि इफिशियंसी बताई गई है। ओके गाइज, तो आप देख सकते हैं ग्लोबल हॉटस्पॉट को लेकर इसराइल में केसेस, जॉर्जिया, क्यूबा, इंडिया। तो गाइज देखो, बात ऐसी है कि कोविड के केसेस कभी भी जीरो नहीं होंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट ये कि आप वैक्सीन लगवा लो ताकि अगर कोविड हो भी तो वो घर में सही हो जाए, समझ गए मेरी बात। देखो ये पॉसिबल नहीं है कि आप घर में बंद पड़े रहो जब तक कोविड हमारे देश से चले जाएगा तब तक, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इकोनॉमी बहुत ज्यादा खराब हो रही है, जरूरत है लोगों को, दो वक्त का खाना मिले, लोग काम करें, वापस इकोनॉमी आगे बढ़े। तो वैक्सीन आ चुकी है तो दो वैक्सीन लगवा लो और उसके बाद में आपको जो भी काम है वो कर लो। सेवियरिटी जो है वो बहुत ही कम हो जाएगी, तो अगर हो भी गया इनकेस तो भी सही हो जाएगा घर पर बैठ के, चिंता की बात नहीं। कोविड जो है वो आने वाले टाइम पे एक अपने कॉमन कोल्ड नहीं होता, इस तरीके से हो जाएगा कि कॉमन कोल्ड कभी खत्म नहीं हो सकता ना इस दुनिया से, इसी प्रकार से कोविड के केसेस भी जीरो नहीं हो सकते। न्यूजीलैंड ने पूरा जोर लगा लिया, ऑस्ट्रेलिया ने पूरा जोर लगा लिया, लेकिन जीरो केसेस होना नामुमकिन है, क्योंकि कहीं ना कहीं तो जो है वो होगा ही होगा। जरूरत बस ये है कि आप वैक्सीनेटेड हो जाओ ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए, उसके बाद में आपको जहां जाना है चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है गाइस। क्योंकि सेवियरिटी आप देख सकते हो 99% तक जो है उससे आपको प्रोटेक्शन है जो कि देखने को मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे थर्ड डोज है जो कि लगा रहे हैं इसराइल के लोग, ओके। तो ये सब है जो कि जानकारी यहाँ पे दी गई है। आगे बात करते हैं पेज नंबर 9 दोस्तों, यहाँ पे बात करेंगे तो ठीक है, एक्सप्लेन ऑब्जेक्शन इन इंटरफेथ मैरिज केस, ये हाईकोर्ट ने गुजरात से पूछा है। यहाँ पे तमिलनाडु के बारे में बात करेंगे दोस्तों, कुछ राज्यपाल है जो कि इधर उधर करे गए उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो देखिए, जो गवर्नर है नागालैंड के आर एन रवि, उनको दोस्तों क्या कर दिया गया है, रवि साहब को तो भेज दिया गया है तमिलनाडु, ठीक है गाइस। इसके अलावा बेबी रानी मौर्य को उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स में एक्टिव किया जाएगा। इसके अलावा जो बनवारीलाल पुरोहित है, बनवारीलाल पुरोहित साहब जो तमिलनाडु के गवर्नर थे, उनको एडिशनल चार्ज जो पंजाब का दे रखा था, अभी वो पंजाब का ही उनको गवर्नर है जो कि बना दिया गया। इसके अलावा दोस्तों लेफ्टिनेंट जनरल, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, ओके, उनको कहां का, उत्तराखंड का गवर्नर है जो कि बना दिया गया है, ठीक है। इसके अलावा जो आपके जगदीश मुखी जी हैं जो कि आसाम के गवर्नर हैं, इनको नागालैंड का एडिशनल चार्ज है जो कि दिया गया है, समझ गए। तो ये चार गवर्नर अभी फेरबदल हुए हैं, ध्यान रखिएगा। आर एन रवि जी तमिलनाडु पहुंच गए, बनवारीलाल पुरोहित पंजाब पहुंच गए, गुरमीत सिंह जो है उत्तराखंड के बनाए गए क्योंकि बेबी रानी मौर्य को वहां से रिजाइन दिला के उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स में एक्टिव किया जाएगा। जगदीश मुखी जी दोस्तों आसाम और नागालैंड के, आसाम के तो थे या नागालैंड के एडिशनल चार्ज जो कि उनको मिला है। तो ये चारों बातें आपको ध्यान रखनी है। आगे बात करते हैं जो कि पेज नंबर 10, ICMR के चीफ ने बोला है दोनों डोजेस से आप डेथ को 98% तक रोक सकते हो। यहाँ पे 2+2 अफगान के बारे में, इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बारे में बताया गया, इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। और रेलवे बोर्ड के बारे में बात करेंगे दोस्तों, यहाँ पे रेलवे बोर्ड की बात करें तो रेलवे की दोस्तों एक और कंपनी है जो कि हुआ करती थी अपनी IROAF, तो ये कंपनी जो है वो बंद हो गई है, इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने दोस्तों अनाउंस कर दिया है कि इंडियन रेलवे ऑर्गेनाइजेशन फॉर अल्टरनेट फ्यूल, इंडियन रेलवे ऑर्गेनाइजेशन फॉर अल्टरनेट फ्यूल, यानी कि ये अल्टरनेट फ्यूल के ऊपर जो है वो काम किया करती थी, IROAF इसको कहते थे। तो इस कंपनी को जो है वो बंद किया जा रहा है, पब्लिक एंटरप्राइज थी, दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर था। एक्सक्लूसिवली दोस्तों ये ग्रीन एनर्जी को प्रमोट करने का काम है जो कि किया करती थी, कार्बन कंट्रोल कैसे टेक्नोलॉजी रेलवे नेटवर्क में लगा सकते हैं उसके ऊपर ये काम किया करते थे।
ठीक है गाइज, चलिए तो ये बात यहाँ पे बोली गई है, सोलर पावर और हाइड्रोजन फ्यूल के ऊपर ये काम किया करते थे। ये काम जो है वो रेलवे के ही जो इंजीनियर है उनको सौंप दिया गया और इसको बंद करने को लेकर बोला जा रहा है। ठीक है गाइज, चलिए इसके अलावा तो कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके अलावा यहाँ पे दोस्तों मोनेटाइजेशन को लेकर भी काफी प्रोटेस्ट है जो कि रेलवे के अंदर भी हो रहा है। जो ऑल इंडिया रेलवे मैन फेडरेशन के जो प्रेसिडेंट है कन्हाई जी, उन्होंने बोला है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में कोई मॉरल राइट नहीं है इंडियन रेलवे के एसेट को मोनेटाइज करने को लेकर। ठीक है, 35 से 99 साल की लीज के ऊपर जो है रेलवे के पूरे रेलवे के बहुत सारे 400 स्टेशन है, 90 सुपरफास्ट एक्सप्रेस है, 4 हिल ट्रेन सर्विसेज है, 1400 किलोमीटर ऑफ रेलवे ट्रैक है, ओवर हेड इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट का, ये सारा प्राइवेटाइज जो है वो करने का अधिकार सरकार को नहीं है। इससे क्या होगा कि प्राइसेस काफी बढ़ जाएगी, सुविधाएं बढ़ जाएगी। देखो रेलवे जो है ना ये सोशल वेलफेयर के लिए चलाया जाता है। रेलवे की प्रॉब्लम क्या है कि रेलवे में हमारे बहुत सारे लोग हैं जो कि ट्रैवल करते हैं, जो कि गरीब तबके के लोग होते हैं, गरीब और मिडिल क्लास पूरा रेलवे में ट्रैवल करता है। अब क्या हो जाएगा कि मोनेटाइजेशन होने से, प्राइवेटाइजेशन होने से क्या हो जाएगा कि वहां पे सर्विसेज तो बढ़िया मिलेगी आपको, लेकिन उसके जो प्राइसेस है ना वो काफी बढ़ जाएंगे रेलवे के, समझ गए। अब क्या होगा कि जिस ट्रेन के ऊपर गरीब लोग बहुत सारे सस्ते में ट्रैवल किया करते थे, जिस रूट के ऊपर, उसी रूट के ऊपर एक बढ़िया ट्रेन चलेगी, लेकिन उसका किराया जो होगा वो 4 गुना होगा, 5 गुना होगा, जो कि गरीब आदमी के देने की बस की बात नहीं। तो गरीब आदमी कैसे ट्रैवल करेगा अगर उसको बिहार से महाराष्ट्र जाना है, महाराष्ट्र से तमिलनाडु जाना है, गुजरात जाना है काम करने के लिए, तो कैसे ट्रैवल कर पाएगा, स्टूडेंट कम्युनिटी कैसे ट्रैवल कर पाएगी, ये एक बहुत बड़ा चिंता का विषय आने वाले टाइम पे। ठीक है, तो रेलवे जो चलता है वो एक्चुअली में क्या, चाहे रेलवे घाटे में चले चाहे प्रॉफिट में चले, उसको प्रॉपर तरीके से चलाना जरूरी है, क्योंकि वो सोशल वेलफेयर का कॉज है। वो क्या बोलते हैं अपना एक कम्युनिज्म है ना, का ही एक पार्ट है कि आपको कम्युनिटी के लिए जो है वो काम करना जरूरी है। तो कुछ चीजें सरकार को विथाउट प्रॉफिट एंड लॉस भी देखनी चाहिए, उसी में से एक रेलवे होता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं पेज नंबर 12 दोस्तों। पेज नंबर 12 की बात करें तो यहाँ पे जो हम लोग बात करेंगे तो हमारे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है, फोर्ड वाली बात कर चुके हैं हम लोग। ठीक है, देख लेते हैं। हाँ बिल्कुल, नॉर्थ कोरिया वाली न्यूज इम्पोर्टेंट है। कहाँ गई यार ये वाली, ये छोटी सी न्यूज है जो कि है नॉर्थ कोरिया को लेकर। आपको मालूम है इस बार 200 कंट्रीज थे जो कि ओलंपिक में पार्टिसिपेट करते हैं, है ना, 2020 के टोक्यो ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया, उसमें एक ही कंट्री था जिसने पार्टिसिपेट नहीं किया, ये बोल दिया देखो भाई कोरोना वोरोना फैल रहा है हम तो वहाँ पे खेलने नहीं जाएंगे। वो कंट्री कौन था? नॉर्थ कोरिया था, समझ गए। तो नॉर्थ कोरिया को दोस्तों सस्पेंड कर दिया इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी ने, क्योंकि उसने पार्टिसिपेट नहीं किया। 2022 तक का सस्पेंशन है जो कि उसके ऊपर लगा दिया गया नो शोकेज वजह से। तो आईसी के जो चीफ है थॉमस बेक, उन्होंने इसका अनाउंसमेंट है जो कि किया है, 2022 तक उनके ऊपर बैन लगा दिया गया। इसका मतलब क्या है कि बीजिंग के विंटर ओलंपिक के अंदर भी वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, समझ गए मेरी बात। नॉर्थ कोरिया के ओलंपिक के इतिहास की बात करें तो टोटल 57 मेडल है इनके पास, 16 गोल्ड, 17 सिल्वर, 24 ब्रॉन्ज, 49 ओवरऑल इनकी रैंक है, और 72 से पार्टिसिपेशन है जो कि कर रहे हैं। 2020 में नहीं किया, 84 से 88 के बीच में भी इन्होंने नहीं किया, समझ गए। चलिए आगे बात करते हैं इंडियन एक्सप्रेस को लेकर। यहाँ पे जो बात करी गई है फ्रंट पेज के ऊपर, ठीक है, ये तो खैर कुछ भी इसके ऊपर इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे जो हम लोग बात करेंगे वो फ्रांस के बारे में बात करेंगे। देखिए फ्रांस के अंदर क्या है कि 18 साल तक अगर कोई भी लड़की अगर अबॉर्शन करवाना चाहती है तो वहां पे क्या काफी ज्यादा कॉस्ट है जो कि लगती है। देखो क्या होता है, फ्रांस और ये यूरोपियन कंट्री बहुत ही महंगे कंट्रीज है, हालांकि ज्यादातर सर्विसेज इनको जो है सरकार के द्वारा मिलती है, लेकिन अबॉर्शन करवाना जो है वो इनको खुद को करवाना पड़ता है, जिससे काफी ज्यादा महंगा होता है वहां पे। तो सरकार ने क्या बोल रखा है कि 18 साल तक की जो भी लड़कियां हैं उनका अबॉर्शन सरकार करवाएगी ताकि उनकी हेल्थ में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आए। उसको 18 साल को एज बढ़ा के इन्होंने क्या कर दिया है, 25 साल है जो कि कर दिया है, फ्री बर्थ कंट्रोल ऑल वुमेन अप टू द 25%। ठीक है गाइस, तो कोई भी फ्री बर्थ कंट्रोल की अगर कोई भी अगर आपको कोई भी अगर आपको प्रिकॉशन चाहिए फ्री बर्थ कंट्रोल के लिए तो 25 साल तक के लिए दोस्तों सरकार है जो कि ये उठाने वाली है। कोई भी फ्री मेडिकल विजिट है ना कॉन्ट्रसेप्शन के बाद में, यानी कि अगर आपको बच्चा नहीं करना है या अबॉर्शन, कोई भी इस तरीके की कोई भी प्रॉब्लम अगर होती है बर्थ कंट्रोल को लेकर तो यहाँ पे सरकार के द्वारा दिया जाएगा। तो कोई भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड होता है ना जिससे अब आप प्रेग्नेंट ना हो, ओके तो 18 साल तक के लिए फ्री था लेकिन अभी उसको 25 साल तक के लिए कर दिया गया है। ओके अबॉर्शन जो है वो फ्रांस में फ्री है ऑल वुमेन और गर्ल्स के लिए, अबॉर्शन तो फ्री है लेकिन कॉन्ट्रासेप्टिव वाली जो बात है वो 18 साल तक की थी, उसको बढ़ा के 25 साल है जो कि इनके द्वारा कर दिया गया है। ठीक है गाइस, चलिए आगे बात करते हैं जो कि चंद्रयान 2, ये एक बहुत बढ़िया आर्टिकल है जो कि यहाँ पे आया है, उसके बारे में बात करेंगे कि क्या दोस्तों चंद्रयान 2 से हमें जो है अभी तक मिला है। आपको मालूम है हमने मून के ऊपर एक लैंडिंग करने की सोची थी लेकिन वो फेल हो गई थी, याद है ना आपको, हमारा रोवर जो है प्रज्ञान वो काम नहीं कर पाया था अच्छी तरीके से।
लेकिन क्या चंद्रयान 2 हमारा फेल हो गया था क्या? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। डेफिनेटली हम लोग लैंडिंग नहीं करवा पाए थे, लेकिन जो हमारा ऑर्बिटर है ना, वो दोस्तों मून की चारों तरफ घूम रहा था, और 2 साल है जो कि उसके हो चुके हैं, और 2 साल के अंदर हमने क्या पाया है दोस्तों, क्या इंफॉर्मेशन गैदर करी है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। समझ गए मेरी बात? तो आपको मालूम है सॉफ्ट लैंडिंग जो हम कर रहे थे वो तो हम लोग नहीं कर पाए थे, लेकिन ऑर्बिटर हमारा पूरा घूम रहा था और उसने बढ़िया परफॉर्मेंस है जो कि दिया। ये देख सकते हो, ये इमेजेस है जो कि उसके द्वारा कैमरा है उसके ऊपर, LI-4 कैमरा वो यूज किया गया, तो उसके द्वारा ये फोटो है जो कि भेजी गई है। अब देखिए दोस्तों क्या क्या चीजें हैं जो कि नई इस बार बताई गई है। पहली बात तो ये कि पहले हमने वाटर मॉलिक्यूल तो चंद्रयान प्रथम के टाइम पे ही हमने पता कर लिए थे, ये तो आपको मालूम है। इनफैक्ट 2008 में जब चंद्रयान 1 हमने किया था ना, उससे पहले भी नासा का मिशन था, उसका नाम था क्लेमेंटाइन करके, लूनर प्रोस्पेक्टर करके एक और था, उसने भी मून के ऊपर पानी है इसके नमूने या इसके सैंपल है जो कि पता कर लिए थे। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी कि जो पानी के जो वहां पे सैंपल्स देखने को मिल रहे हैं वो किस चीज से बन रहे हैं, वो आपके हाइड्रोक्सिल से है या फिर वाटर मॉलिक्यूल से, यानी कि OH के पार्टिकल्स है या फिर H2O के अंदर H के पार्टिकल है, ये हमें दोस्तों पता नहीं था पहले। लेकिन चंद्रयान 2 के टाइम पे क्या हुआ कि हमें ये पता लग गया कि चांद के ऊपर हाइड्रोक्सिल के भी पार्टिकल्स है और H2O जो बन रहा है ना वाटर मॉलिक्यूल्स, ओके, ये भी यहाँ पे पार्टिकल्स अवेलेबल है। तो ये अलग अलग जगह, पहले हमें सिर्फ पोलर रीजन का पता था, लेकिन इस बार हमारे चंद्रयान द्वितीय ने ये बताया कि पानी के सैंपल सिर्फ पोलर पे अवेलेबल नहीं है, पूरे मून के ऊपर अलग अलग जगह के ऊपर अवेलेबल है जहां पर हाइड्रोक्सिल और साथ में वाटर मॉलिक्यूल H2O, ठीक है, ये दोनों के दोनों पार्टिकल्स है जो कि यहाँ पे अवेलेबल है। ये पहली डिस्कवरी है जो कि एक बहुत बड़ी डिस्कवरी जो कि यहाँ पे बताई गई। समझ गया मेरी बात? उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। दूसरा दोस्तों यहाँ पे बताया गया माइनर एलिमेंट्स के बारे में। पहले दोस्तों हमें सिर्फ मेजर एलिमेंट जैसे कि मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, इन्हीं के बारे में पता था कि मून के ऊपर यही सब अवेलेबल है, लेकिन इस बार जो हमने यहाँ पे काम किया है ना उसमें माइनर मॉलिक्यूल्स के बारे में भी जानकारी है जो कि यहाँ पे दे दी गई है। समझ गए? यहाँ पे सोडियम से लेकर छोटे छोटे जो माइनर है ना एलिमेंट्स, उनके बारे में भी यहाँ पे जानकारी है जो कि इस बार दी गई है। ये सेकंड डिस्कवरी है जो कि यहाँ पे बताई गई है, ठीक है गाइस? चलिए ठीक है। इसके अलावा क्रोमियम हो गया, मैग्नीज हो गया, है ना, ये सब भी जो है यहाँ पे जानकारी दी गई है, ये बता दिया गया है। इसके अलावा दोस्तों सन के ऊपर भी स्टडी करी गई। सन के ऊपर स्टडी मतलब जो सन की जो किरणें आती है ना, सोलर फ्लेयर जिसको अपन बोलते हैं, तो उसके बारे में भी स्टडी है जो कि यहाँ पे किया गया। हमने दोस्तों सोलर एक्सरे मॉनिटर है जो कि लगा रखा था, उससे हमने सोलर फ्लेयर जो सन की लाइट आती है उसके ऊपर भी दोस्तों स्टडी है जो कि करी है, और ये हमारे दोस्तों आने वाले मिशन के ऊपर काफी मदद है जो कि करेगी। ये यहाँ पे बताया गया जक्सा के साथ में भी हम लोग आने वाले दिनों में मून के ऊपर और काम करने वाले हैं जापान की एजेंसी के साथ में, ओके। एक है लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन, लूपेक्स बोलते हैं इसको, वो भी हम लोग दोस्तों आने वाले दिनों के अंदर करने वाले हैं। नासा भी दोस्तों आर्टिमिस मिशन है जो कि स्टार्ट कर रहा है, 2014 से वापस से मून के ऊपर लैंडिंग है जो कि स्टार्ट कर रहा है। आपको मालूम है 1969 से 72 के बीच में मून के ऊपर लैंडिंग हुई थी, उसके बाद से लैंडिंग होना बंद हो गई थी। टोटल 12 लोग हैं जो कि आज तक चांद के ऊपर कदम है जो कि रख चुके हैं, जिसमें सबसे पहले थे आपके आर्मस्ट्रांग, उसके बाद में एल्ड्रिन, और उसके बाद में एक और पर्सन थे जैन करके, ऐसा कुछ, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट दोस्तों MU वेरिएंट के बारे में एक बढ़िया आर्टिकल है जो कि आया है। आपको मालूम है रिसेंटली दोस्तों WHO ने वेरिएंट ऑफ कंसर्न के अंदर है जो कि इसको डाला है। देखिए टोटल जो है ना ये 5वां ऐसा वेरिएंट है जो कि MU वेरिएंट, जो कि सबसे पहले कहां पे कोलंबिया के अंदर पाया गया, ओके। तो ये 5वां वेरिएंट है, इससे पहले दोस्तों ईटा, आयोटा, कप्पा, लैम्डा, ये सारे के सारे वेरिएंट ऑफ, ठीक है, कंसर्न में, वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट में इसको डाला गया है, सॉरी कंसर्न में नहीं है, वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट में। वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट में दोस्तों सबसे पहले तब होता है तब आपको लगता है कि हाँ ये आने वाले दिनों में डेंजरस हो सकता है, समझ गए, तो उसके ऊपर काम स्टार्ट हो जाता है उसके ऊपर। तो वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट में 5 टोटल है, जिसमें से आयोटा, एक तो ITA, ETA, आयोटा, कप्पा, लैम्डा और ये MU वेरिएंट है। जब मैं बात करता हूं वेरिएंट ऑफ कंसर्न जो कि बहुत ही डेंजरस माने जाते हैं, इसके अंदर दोस्तों कौन कौन से आपके अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा, 4 ऐसे वेरिएंट है जो कि वेरिएंट ऑफ कंसर्न के अंदर है, अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा। वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट में दोस्तों टोटल 5 है, जिसमें से 5वां कौन सा है, MU वेरिएंट है, जो कि कोलंबिया के अंदर पाया गया और भी कई सारे देशों के अंदर इसको देखने को मिल रहा है। टोटल मिला के 5-6 हजार केसेस है जो कि इसके देखने को मिले 47 कंट्रीज के अंदर।
ठीक है, ट्रांसमिलिटी की बात करें तो ट्रांसमिशन जो है वो ठीक ठाक हो रहा है, हमारी वैक्सीन इसके ऊपर इफेक्टिव है, लेकिन कितनी है इसके बारे में जानकारी अभी नहीं है। आगे बात करते हैं, जियो और बीपी ने दोस्तों पार्टनरशिप कर ली है ब्लू स्मार्ट के साथ में पूरे देश में ईवी चार्जिंग स्टेशन को सेटअप करने को लेकर। आपके मालूम है आने वाले दिनों के अंदर बहुत जगह पे आपको ईवी स्टेशन है जो कि देखने को मिलेंगे। ओके, तो उस ईवी स्टेशन को कौन बना रहा है? जियो किसके साथ में? बीपी के साथ में मिलकर है, जो कि पूरे देश में स्टेशन है जो कि लगाएगा। एक जगह पे 30 व्हीकल जो है वो क्या कर सकते हैं, मिनिमम जो है वो इलेक्ट्रिक चार्ज अपनी गाड़ी को कर सकते हैं। तो जियो बीपी और यहाँ पे ठीक है रिलायंस इंडस्ट्री और यूके की बीपी कंपनी एक दोनों ने पार्टनरशिप करी है ब्लू स्मार्ट के साथ में, जो कि इंडिया का फर्स्ट और लार्जेस्ट ऑल इलेक्ट्रिक राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म है जो कि बनाएगी, इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन है जो कि बनाएगी। जिस दिन स्टेशन लगने चालू हो गए ना, उस दिन गेम बदल जाएगा, उस दिन सबके पास में इलेक्ट्रिक गाड़ी है जो कि लेना चालू कर देंगे। उस दिन कई सारे लोग बोलेंगे देखा मोदी जी ने इसलिए पेट्रोल के रेट बढ़ाए थे ताकि एक दिन आप इलेक्ट्रिक गाड़ी ले लो। ठीक है, ऐसा भी कई लोग हैं जो कि महारथी आपको बोलते हुए मिलेंगे कि ये देखा ये स्ट्रेटेजी थी, ये प्लानिंग थी, ये जैसे कि डिमोनेटाइजेशन के टाइम पर हुआ था ना वैसे ही, कि ये डिजिटल मनी को बढ़ाने की प्लानिंग थी। उसी तरीके से कुछ लोग बोलेंगे कि देखो इलेक्ट्रिक व्हीकल कितने ज़्यादा हो गए ना, ये प्लानिंग थी पेट्रोल को बढ़ा के महंगा करके आपको इलेक्ट्रिक गाड़ी दिलाने की। ठीक है, तो दिल्ली के अंदर दोस्तों अभी जो है काफ़ी सारे ऐसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है जो कि बसेस चल रही है जिसके ऊपर यही लोग काम कर रहे हैं। चलिए आगे बात करते हैं जनसत्ता की। जनसत्ता की बात करें तो यहाँ पे फ्रंट पेज पे तो कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे जो बात करेंगे वो राष्ट्रीय राजमार्ग 1925 को लेकर। ये पहले बात कर चुके हैं हम लोग इमरजेंसी लैंडिंग फील्ड को लेकर। मैंने आपको बताया था कि गडकरी जी ने दोस्तों अभी रिसेंटली भारतीय वायुसेना से एक अभी यहाँ पे टेस्टिंग करी गई इमरजेंसी लैंडिंग को लेकर। ठीक है, तो जो अपना नेशनल हाईवे 925 है उसके ऊपर इमरजेंसी लैंडिंग है जो कि करवाई गई राजस्थान के अंदर। ठीक है गाइस, चलिए बाड़मेर वाले एरिया में है तो वहां पर ये 1.5-2 किलोमीटर का बनाया गया है। ठीक है, जहां पर इमरजेंसी लैंडिंग करवाई जा सकती है। चलिए आगे बात करते हैं, भूपेंद्र यादव ने इनॉग्रेट किया दोस्तों प्रणा पोर्टल। ठीक है, प्रणा पोर्टल, तो यहाँ पे यूनियन मिनिस्टर जो एनवायरमेंट फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज के भूपेंद्र यादव, उन्होंने ये पोर्टल है जो कि लॉन्च किया, किसके लिए? एयर पोल्यूशन के लिए इसको लॉन्च किया 132 सिटीज के अंदर। पूरा नाम क्या है? पोर्टल फॉर रेगुलेशन ऑफ एयर पोल्यूशन इन नॉन अटेनमेंट सिटीज। ठीक है, ये क्या करेगा? फिजिकली और फाइनेंशियल स्टेटस है जो कि किसी भी सिटी का बताएगा कि वहां पे क्या एक्शन प्लान लिया जा रहा है, क्या वहां पे एयर क्वालिटी को लेकर किया जा रहा है। तो इसको लेकर ये पोर्टल है जो कि दोस्तों लॉन्च है, जो कि किया गया है। ठीक है गाइस, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत इसको लॉन्च है जो कि किया गया है दिल्ली के अंदर। आगे बात करते हैं, टाटा एआईए लाइफ ने क्या किया? नीरज चोपड़ा को ब्रांड एम्बेसडर है जो कि बनाया है टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। आपको मालूम है ना, अभी रिसेंटली न्यूट्री लाइफ ने भी दोस्तों अपने मीराबाई चानू को किया था, कई सारे ब्रांड एम्बेसडर बनेंगे और इन्हीं में से दोस्तों एग्जाम में सवाल है जो कि पूछा जाएगा। आगे बात करते हैं, आरबीआई ने दोस्तों यूको बैंक को जो है पीसीए फ्रेमवर्क से हटा दिया है। प्रॉम करेक्टिव एक्शन, कब? जब किसी बैंक की परफॉर्मेंस बहुत ही खराब होती है तो उसके ऊपर क्या होता है, आरबीआई क्या करता है, रिस्ट्रिक्शन लगा देता है कि भाई आपकी बस की बात है, आप कुछ टाइम तक कोई मार्केटिंग कोई रिक्रूटमेंट कुछ भी मत करो, समझ गए, पहले पहले वाले काम को इंप्रूव करो, उसके बाद आपको बाकी काम है जो कि करो। तो पिछले 4 साल से यूको बैंक है ना पीसीए के अंदर था, आरबीआई ने अभी दोस्तों इसको हटा दिया है क्योंकि वापस से इसने जो अपने एनपीए रेशियो है ना उसको बेटर कर लिया। पहले इसका एनपीए रेशियो बहुत ही ज्यादा खराब था। एनपीए क्या होता है? नॉन परफॉर्मिंग एसेट। अगर आप जो लोन देते हो और वो लोन वापस नहीं आते ना तो हम उसको एनपीए कहते हैं, समझ गए, 3 महीने तक अगर इंस्टॉलमेंट नहीं आई तो वो एनपीए में चले जाता है। ठीक है, रिटर्न ऑन एसेट बहुत ही इसका नेगेटिव था। ठीक है गाइस, तो इंडियन ओवरसीज बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है ना, ये दो बैंक अभी भी दोस्तों किसके अंदर है? पीसीए के अंदर है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं, 1943 में इस बैंक की शुरुआत हुई, नेशनलाइज बैंक है, कोलकाता में हेडक्वार्टर है, अतुल कुमार गोयल है जो कि इसके एमडी और सीईओ है। चलिए आगे बात करते हैं, हरे कृष्णा मूवमेंट को लेकर। तो आपको मालूम है इस्कॉन के द्वारा दोस्तों हरे कृष्णा मूवमेंट की शुरुआत करी गई, अभी रिसेंटली 125 रुपए का कॉइन है जो कि 125वीं बर्थ एनिवर्सरी जो है ना इस्कॉन की, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कंसाइसेस, इसको के जो फाउंडर थे दोस्तों भक्ति विदान स्वामी प्रभुपद जी, तो उनके द्वारा इसकी शुरुआत करी गई। तो 125वीं एनिवर्सरी के ऊपर मोदी जी ने दोस्तों क्या किया, एक कॉइन है जो कि रिलीज किया है। तो इस्कॉन टेम्पल की शुरुआत दोस्तों 1966 के अंदर करी गई थी हरे कृष्णा मूवमेंट के तौर पे, है ना, 125वीं तो बर्थ एनिवर्सरी थी इनकी, जिनके फाउंडर है प्रभुपद जी इनकी। चलिए, तो इस्कॉन को जो है इस्कॉन ने क्या किया, ट्रांसलेट किया था भगवत गीता को, वैदिक लिटरेचर को 89 लैंग्वेजेस के अंदर, और पूरी दुनिया के अंदर वैदिक लिटरेचर को प्रमोट किया था, है ना, कृष्णा
के बारे में, कृष्णा जी की जो स्टोरीज है, जो उनसे हम क्या सीख सकते हैं, क्या लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं, वो सारी चीजें जो कि पूरी दुनिया में प्रमोट करी थी। ओके गाइस, तो मेंबर जो इस्कॉन मूवमेंट के होते हैं, भक्तिवाद स्वामी जी को रिप्रेजेंटेटिव और मैसेंजर है जो कि माना जाता है, इनके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। चलिए, तो इनका जन्म जो है अभय चरण जी के तौर पर हुआ था 1 सितंबर 1896 को कलकत्ता में। इंडियन स्पिरिचुअल टीचर रहे और फाउंडर रहे इस्कॉन के। पूरी दुनिया में मोस्ट प्रोमिनेंट कंटेम्प्रेरी अथॉरिटी है जो कि भक्ति योगा मूवमेंट की मानी जाती है कृष्णा के तौर पे। ठीक है, स्वामी जी ने एस्टैब्लिश किया 100 टेम्पल, सेवरल किताबें जहाँ पे भक्ति योग जो है वो पूरी दुनिया को सिखाया था। ठीक है गाइस, कई जगह पे इन्होंने ट्रैवल किया, पूरी दुनिया में बताया इनके बारे में, और आज इस्कॉन टेम्पल दोस्तों बहुत ही फेमस है जो कि पूरी दुनिया में माना जाता है। ओके गाइस, चले, और वैश्वनिज्म के ऊपर दोस्तों ये प्रमोट है जो कि करते हैं, जैसे कि शिवाइज्म के शिव जी को फॉलो करते हैं, ओके, वैसे वैश्वनिज्म में विष्णु जी को प्रमोट है जो कि उनकी आइडियोलॉजी के ऊपर काम है, जो कि होता है वर्कशिप है जो कि विष्णु की करी जाती है। ठीक है गाइज, चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों, जो कि आज का है फन फैक्ट। आपने मूवी देखी क्या, 7 Years in Tibet? 7 Years in Tibet एक मूवी है दोस्तों जो कि 1997 के अंदर आई थी, और इसमें ब्रैड पिट थे दोस्तों। तो ब्रैड पिट को 7 साल के लिए बैन कर दिया गया था चाइना के द्वारा, क्योंकि उन्होंने एक मूवी के अंदर काम किया था जिसका नाम था 7 Years in Tibet। बहुत ही अमेजिंग मूवी है, अगर इस बार जो अभी वीकेंड आ रहा है देख लेना, है ना, बहुत ही अच्छी मूवी है। इसमें क्या होता है कि ये माउंटेनर होते हैं, तो उसके बाद में ट्रैवल कर रहे होते हैं, उसके बाद में इनको जर्मन के द्वारा पकड़ लिया जाता है और ये भाग के जो है तिब्बत में चले जाते हैं, उसके बाद की स्टोरी बताई गई। बहुत ही अमेजिंग मूवी है, देखिएगा, ब्रैड पिट की मूवी है। तो इनको बैन कर दिया गया था चाइना में एंटर करने के लिए कई सालों तक, ठीक है गाइस, क्योंकि इन्होंने 7 Years in Tibet के तौर पर काम किया था। ओके, इसके अंदर एक बहुत ही अमेजिंग डायलॉग है, ये क्या एक्चुअली में तिब्बत पहुंचते हैं, तिब्बत के अंदर एक लड़की से मिलते हैं, तो ये क्या बहुत ही परेशान होता है, बोलता है कि यार मैं लाइफ में ये करना चाहता था, मैं फाउंडर बनना चाहता था, मैं ये स्टार्ट करना चाहता था, मैं वो करना चाहता था, तो बहुत ही एम्बिशियस। और जो लड़की होती है वो बहुत ही सिंपल सी लाइफ जी रही होती है, बहुत ही खुश होती है अपनी लाइफ के अंदर, तो ये पूछता है उससे कि यार तुम्हें कोई कुछ पाने का, कुछ बड़ा करने का कुछ ऐसा वो नहीं है क्या, मोटिव नहीं है क्या, तुम लोग कैसे जी रहे हो? तो वो लड़की बोलती है कि हमें जो है सिखाया जाता है तिब्बत के अंदर वो कैसे बड़ा करना है या कैसे बड़ा बनना है या क्या पाना है क्या खोना है वो नहीं सिखाया जाता, हमें सिखाया जाता है कि लाइफ में खुश कैसे रहना है। तो इसका दिमाग खराब हो जाता है, वो बोलता है यार मतलब मैं कौन सी दुनिया में जी रहा हूँ, मैं कितना परेशान हूँ, मैंने कुछ पाया लेकिन फिर भी मैं परेशान हूँ, और इस लड़की को कोई लोड ही नहीं है लाइफ के अंदर, ये खुश है अपनी लाइफ में। तो उस लड़की ने बोला कि मैं क्या पाना है क्या खोना, मैं उस चीज़ों को परेशान नहीं होते, हमें वो चीज़ नहीं सिखाई जाती, हमें ये सिखाई जाती है कि खुश कैसे रहना है, दैट इज़ द फोर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन लाइफ। ओके, चलिए देखिएगा कभी टाइम मिले तो, बहुत अच्छी मूवी है। इसके अलावा गाइज, अगर आपको इंडिया में किसी भी चीज़ का अगर अनअकैडमी के ऊपर किसी भी चीज़ की प्रिपरेशन करनी है तो आप BHU10 या BHU10 यूज़ कर सकते हैं, 10% ऑफ आपको मिल जाएगा। 15% वाला ऑफर देख लेना, चल रहा है तो लगा देना, वरना कोई बात नहीं। ऐप डाउनलोड करके मोबाइल नंबर लिखना है, यहाँ पे अपना गोल सेलेक्ट करना है, ओके, गेट सब्सक्रिप्शन पे जाना है 12 या 24 महीने पे, और यहाँ पे BHU10 है जो कि आपको यूज़ करना है। कल दोस्तों अभी 10 बजे भी क्लास है वैसे तो स्पेशल के ऊपर, और कल 9 से लेकर 12 बजे तक दोस्तों क्लास है आपकी, सुबह 9 से 12 बजे तक अनअकैडमी के स्पेशल सेशन पे मैराथन क्लास, जहाँ पे 3 घंटे के लिए हम लोग प्रीवियस ईयर के SSC और रेलवे के क्वेश्चन है जो कि करने वाले हैं, तो ज्वाइन कर लेना। ठीक है गाइज, EMI के थ्रू भी आप पेमेंट है जो कि कर सकते हैं। ओके, आज का पहला क्वेश्चन है नहीं, चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे एवरीवन।